हरे कृष्णा, माय नेम इज शुभम नेवासकर एंड आई एम स्टडिंग इन 7th डी फ्रॉम शांतिनगर हाई स्कूल। आई एम एसोसिएटेड विद नरसिम्हा इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन फ्रॉम इस्कॉन मीरा रोड। टुडे आई एम रिसाइट वर्स 5 फ्रॉम चैप्टर 12 ऑफ श्रीमद् भगवद्गीता। क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्त आशक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुखम देह धीर वाप्यते। अनुवाद: जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के अत्यंत है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तात्पर्य: अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अव्यक्त आशक्त निराकार स्वरूप के पाद का अनुसरण करते हैं, ज्ञान योगी कहलाते हैं। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावना में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाती है। जीवादि काल से देहधारी है, इसलिए वे समझ नहीं पा रहे कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण की विग्रह को पुण्य मानते हैं, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है, उसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। सड़क किनारे एक पत्र पेटी का होती है, जिसमें हम पत्र डालते हैं और वो पत्र अपने गंतव्य बिना किसी रुकावट के अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर उसके जगह कोई दूसरी पेटी का हो और वो डाकघर द्वारा स्वीकृत नहीं हो, तो वे पत्र अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। ठीक उसी प्रकार अर्चविग्रह परमात्मा का अवतार लेते हैं और जो भगवान की पूजा करते हैं, वो उनको स्वीकार कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि निराकार विधि को न अपनाए। कृष्ण चेतना की विधि सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। हरे कृष्णा।